सभी को जय मां बगला मुखी जी की, जय मां पीताम्बरा जी की। तो आज वीरवार का दिन है, तो एक बार फिर से आज हम आपको वीरवार के दिन दिव्य दर्शन करवा रहे हैं मां बगला मुखी जी के, मां पीताम्बरा जी के सांबा के प्राचीन सुनार के मंदिर से, जो कि ये श्री नरसिंह भगवान जी का मंदिर है और यहीं पर मां बगला मुखी जी, मां पीताम्बरा जी विराजमान है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सुंदर स्वरूप मां बगला मुखी जी का यहां पर विराजमान है। और मैं आपको बता दूं, बड़ा ही शक्तिशाली स्वरूप है मां बगला मुखी जी, मां पीताम्बरा जी। और कहते हैं कि अगर आपको किसी तरह की भी कोई दुख तकलीफ है, रोग बीमारी है या आपको शत्रु तंग कर रहा है, तो आप लोग सच्चे मन से मां बगला मुखी जी की पूजा करें, मां बगला मुखी जी को याद करें, आपको इन तमाम दिक्कत परेशानियों से राहत मिलेगी, रोग बीमारियां दूर होंगी, कष्ट क्लेश दूर होंगे, आपको सुख समृद्धि का एहसास होगा और शत्रुओं का विनाश होगा। ये बड़ा ही शक्तिशाली स्वरूप है मां बगला मुखी जी का। मैं आपको बता दूं कि 10 महाविद्याओं में मां बगला मुखी जी का नाम लिया जाता है, इसलिए कहते हैं कि ये बड़ा ही शक्तिशाली स्वरूप है। तो आज वीरवार के दिन एक बार फिर से हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। आपने शुरुआत में भी दर्शन किए, माता रानी के सुंदर स्वरूप को हमने आपके तक पहुंचाने की आज कोशिश की है एक बार फिर से, और ये कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। हम दिनों के अनुसार अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पहुंचते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। सोमवार की बात करें तो महादेव जी के दर्शन करवाते हैं, मंगलवार के दिन आपको मां चिची माता जी के दर्शन कराते हैं, और वीरवार के दिन हम आपको मां बगला मुखी जी के दर्शन कराते हैं। और वीरवार के दिन एक खास महत्व रहता है, खास महात्म रहता है, और आपको सबको पता है कि मां बगला मुखी जी, जिनको पीले वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, पीले रंग का भोग लगाया जाता है और पीला रंग माता रानी को बड़ा ही पसंद है। और आपको बता दें कि ये दिव्य स्वरूप, शक्तिशाली स्वरूप मां बगला मुखी जी का, ये हिमाचल के दिव्य दरबार बनखंडी में जो मां बगला मुखी जी का दरबार है, वहीं से माता रानी के स्वरूप को स्पर्श करवाकर यहां पर विराजमान किया गया है। तो जैसे हम लगातार आपको दर्शन करवाते हैं, हम जागरूक भी लोगों को करते हैं कि आप लोग सांबा के प्राचीन सुनार के मंदिर में जरूर आए, यहां पर मां बगला मुखी जी विराजमान है। और अब यहां पर भक्तों का आने का जो सिलसिला है, वे पहले के मुकाबले अब जो है वो काफी ज्यादा है। भक्त माता रानी के यहां पर पहुंचते हैं, यहां भक्ति करते हैं, यहां मंत्रोच्चारण करते हैं और खासतौर पर यहां पर हवन भी करते हैं, जो कि हवन करवाने की भी प्रक्रिया रहती है दो तरह की, मीठा और कड़वा। यहां पर जो विधियां हैं वो यहां के आप जो पुजारी जी हैं, जो यहां के महंत जी हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। लेकिन हिमाचल के बनखंडी में आपको सबको पता है कि वहां पर दो हवन होते हैं, मीठा और कड़वा, तो वो विधियां आपको वहां पर पता चल जाती है। लेकिन कहते हैं कि हवन करवाने से भी सुख शांति आती है, ग्रह शांत होते हैं, दुख तकलीफें कष्ट क्लेश दूर होते हैं और घरों के अंदर भी शांति आती है। ये इतना शक्तिशाली स्वरूप है, कहते हैं कि अगर आपके अंदर आस्था है, श्रद्धा है, तो आपको भगवान माता रानी किसी ना किसी रूप में दर्शन जरूर देती हैं। ये आप विश्वास रखकर चलिए और किसी ना किसी दिन आपको फल जरूर मिलता है, जब आप सच्चे मन से भगवान की, देवी देवताओं की, माता रानी की पूजा करते हैं। तो शक्तिशाली स्वरूप है मां बगला मुखी जी का, आप भी मंदिर में आए, माथा टेके और पुण्य के भागी बने। हम एक बार फिर से आज आपको दिव्य दर्शन करवा रहे थे, आपने शुरुआत में दर्शन किए और मंदिर को लेकर भी मैंने आपके तक यह जानकारी पहुंचाई है, माता रानी के स्वरूप को लेकर आपको बताया, तो आप भी यहां पर आए, माथा टेके, पुण्य के भागी बने। और जो हिमाचल का बनखंडी दरबार है, वो आप सबको पता है कि पांडवों ने वो एक ही रात में माता रानी का वो दिव्य मंदिर बना दिया था, और भगवान श्री राम भी मां बगला मुखी जी का जाप करते थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना शक्तिशाली, कितना दिव्य स्वरूप है मां बगला मुखी जी का। तो आप सच्चे मन से माता रानी को याद करें, दर्शन करें, पुण्य के भागी बने, आपके ऊपर आशीर्वाद माता रानी का सदैव बनेगा। हम भी माता रानी से प्रार्थना करेंगे, मां बगला मुखी जी से, मां पीताम्बरा जी से, कि आप सभी के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो आपको अगर इस मंदिर में आना है, तो आप लोग जब कठुआ या सांबा की तरफ से आते हैं, जम्मू की तरफ से आते हैं, तो आप लोग वीरभूमि पार्क जो है सांबा का, उसके ऑपोजिट बुधवानी क्षेत्र है, वहां पर जब आप एंटर करते हैं, तो आप किसी को भी पूछ सकते हैं कि हमने सुनैर की मंदिर में जाना है, मां बगला मुखी जी के मंदिर में, भगवान श्री नरसिंह भगवान जी के मंदिर में। आप यहां पहुंचेंगे, आपको सुकून मिलेगा, मन को शांति मिलेगी और आप दिव्य दर्शन यहां पर आकर करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा फील होगा। क्योंकि यहां पर जब आप आते हैं, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है, गलत चीजें दूर होती हैं, और जो किया कराया भी कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं, आपका जीवन धन्य हो जाता है। सभी को जय मां बगला मुखी जी की, जय मां पीताम्बरा जी की। आप सभी के ऊपर मां बगला मुखी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। लेकिन अगर फिर से जाते जाते आपको
दर्शन करवाऊंगा मां बगलामुखी जी के। फिलहाल के ऋषि तो जुड़िया जेके मीडिया के लिए, जय मां पीताम्बरा जी, जय मां बगलामुखी जी की।